अस्सलामुअलैकुम। ओके, इस वीडियो में मैं आपको डेक्सामेथाजोन टेस्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि हम चेक करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि आइदर पर्सन को कुशिंग सिंड्रोम है या कुशिंग डिजीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के रिटर्न के लिए एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन में से। देखिए बात क्या है, उससे पहले ना कुशिंग सिंड्रोम कुशिंग डिजीज़ का ज़रा सा आइडिया ले लें। कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब हमारे पास एक सेट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं जब भी आपके पास एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, उनकी एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए। ठीक है, अब वो चार वजह से हो सकती है। या तो हाइपोथैलेमस में कोई मसला है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है जो है वो कॉर्टिकल रिलीजिंग फैक्टर, जो कि जाके आगे इन्फ्लुएंस करते हैं ACTH की सिक्रीशन, और वो फिर जाके सिक्रीट करवा देते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस में मसला पहला लेवल। दूसरा लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर या कोई मसला है जिसकी वजह से ACTH की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से आके आपके कॉर्टिकल हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तीसरा मसला हो सकता है आपके लेवल एट द एड्रीनल ग्लैंड पे, कि एड्रीनल ग्लैंड खुद जो है कॉर्टेक्स में उसके कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से ACTH का लेवल ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये खुद अपने हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा रहे हैं। और चौथा मसला हो सकता है एक्टोपिक एड्रीनल ग्लैंड की, जो एक्टोपिक ACTH सिक्रीशन, लंग कार्सिनोमा या लंग कैंसर वगैरह कुछ कंडीशंस हैं जिनमें क्या होता है कि लंग कैंसर है और उसकी वजह से जो लंग वाली जगह है जहाँ पर कैंसर है वहाँ से ACTH की सिक्रीशन होने लगी है। नॉर्मली ACTH सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से, लंग कैंसर में लंग्स ACTH सिक्रीट करते हैं और ये ACTH आके फिर अफेक्ट करते हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल कॉर्टेक्स से वो सिक्रीट करवा देता है हार्मोन, तो इसे हम कहते हैं एक्टोपिक ACTH सिक्रीशन या एक्टोपिक ट्यूमर। ठीक है जी, अदर देन द पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH की सिक्रीशन हो रही है। चार वजूहत हैं हमारे पास, इनमें से किसी भी वजह से रिजल्ट ये होगा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स मेनली एल्डोस्टेरोन और जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो सिंड्रोम आएगा उसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कुशिंग डिजीज़ ये होती है कि अगर आपके पास इन चारों में से सबसे कॉमन बात ये वाली है, पिट्यूटरी का ट्यूमर होना। ठीक है, इसीलिए पिट्यूटरी के ट्यूमर को उन्हें अलग से नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये ट्यूमर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में है उसकी वजह से ACTH की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो हम उसको कहेंगे कुशिंग्स डिजीज़। ठीक है जी, सिंड्रोम में चारों से आ सकते हैं, कुशिंग डिजीज़ में ही आ सकते हैं। अब आप खुद सोचें, पहले बात मैं बता दूँ कि अगर आपके पास पिट्यूटरी में ट्यूमर है इसका मतलब कि आपके पास ब्लड में ACTH का लेवल भी ज़्यादा होगा और ब्लड में कॉर्टिसोल और जितने भी एड्रीनल हार्मोन्स हैं उनका लेवल भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपके पास मसला जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स में है, ठीक है, खुद एड्रीनल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा अपने हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जब ज़्यादा होंगे तो वो नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे पीछे की तरफ पिट्यूटरी में, तो पिट्यूटरी से ACTH की सिक्रीशन कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जब एड्रीनल कॉर्टेक्स में मसला होगा तो इंक्रीज इन एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जो ACTH की सिक्रीशन को कम कर देंगे, तो हमें ब्लड में एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स तो ज़्यादा मिलेंगे लेकिन ACTH कम मिलेगा। ठीक है जी, ये बात होगी। अब हमने डिफरेंशिएट करना होता है जनरली कि कुशिंग सिंड्रोम है बंदे को, यानी इन चारों में से कोई और मसला हुआ या फिर हमें स्पेसिफिकली ACTH डिपेंडेंट मसला ही है। उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम देते हैं पर्सन को डेक्सामेथाजोन। ठीक है जी, डेक्सामेथाजोन जो है ना बेसिकली ये एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो बाहर हमने सिंथेसाइज किया हुआ है, और इसका एक्शन नॉर्मल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है हमारे पास कॉर्टिसोल बॉडी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका डेक्सामेथाजोन का एक्शन कॉर्टिसोल से 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेक्सामेथाजोन है। ठीक है, तो जब एक नॉर्मल बंदे में अगर डेक्सामेथाजोन दे दी जाए तो कॉर्टिसोल का लेवल, ACTH का लेवल सब कुछ डिक्रीज़ कर जाना चाहिए, क्योंकि ये डेक्सामेथाजोन कॉर्टिसोल जैसा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन रख के उसका सारा फंक्शन कर देती है। हम क्या कहते हैं, हम पेशेंट में देते हैं डेक्सामेथाजोन तीन कंडीशंस। पहला काम हमने किया, इंतहाई ज़्यादा डेक्सामेथाजोन इंसर्ट किया, कॉर्टिसोल पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर ये हुआ कि कॉर्टिसोल हम चाहे थोड़ा सा हमने पहले डेक्सामेथाजोन दे के देखा फिर हमने ज़्यादा सारे डेक्सामेथाजोन दे दिया, दोनों की वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में कम नहीं हुआ, उतना ही रहा, बहुत हाई था पहले भी, मजीद हाई ही रहा, फिर हमने देखा ACTH पे क्या इफेक्ट आया, चाहे हम कम दें चाहे ज़्यादा दें ACTH का लेवल बहुत कम हो गया बॉडी में, पहले से ही कम था और मतलब ACTH में उसका जो लेवल था बॉडी में बहुत कम है, इसका मतलब कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज़ नहीं कर रहा है, ACTH का लेवल कम है। तो हम जनरली कहते थे कि पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम में से कुछ है, क्योंकि मेनली जो चांस लग रहे हैं वो हमें एड्रीनल कॉर्टेक्स में मसला लग रहा है, क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स में अगर मसला होगा तो चाहे हम बाहर से जितना मर्जी पोटेंट कॉर्टिसोल जैसा एक्शन करने वाली कोई चीज़ दे दें, कॉर्टिसोल में ट्यूमर, एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर है, एड्रीनल ग्लैंड को क्या लगे कोई और एक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कॉर्टिसोल का, वो तो बेशक कोई और एक्शन परफॉर्म करने उसने तो कॉर्टिसोल सिक्रीट करना ही करना है क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड में तो ट्यूमर है, तो एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर होने की वजह से हम क्या कहते हैं, हम बाहर से डेक्सामेथाजोन देते हैं, डेक्सामेथाजोन कॉर्टिसोल जैसा एक्शन करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग करता है लेकिन एड्रीनल ग्लैंड को उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो फिर भी कॉर्टिसोल उतना ही ज़्यादा सिक्रीट करता है तो कॉर्टिसोल का लेवल हाई रहता है इसमें। ACTH पीछे से बेचारा वो तो कुछ कह ही नहीं रहा था, वो तो चुप करके बैठा हुआ है क्योंकि उसे नज़र आ रहा है कि पहले कॉर्टिसोल इतना आ रहा है तो मैं क्यों आके
उसे और सिमुलेट करूँ। तो ECTS के लेवल इस केस में बॉडी में बहुत कम है। इंटरप्रिटेशन हमारी क्या होगी कि पेशेंट को हम जनरली लेबल करेंगे कुशिंग सिंड्रोम, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने पहले दिया थोड़ा सा डेक्सामेथासोन, उसकी वजह से कॉर्टिसोल के लेवल को कुछ नहीं हुआ, उतना ही रहा, हाई था हाई ही रहा। दूसरी बार हमने क्या किया, हमने ज़्यादा डेक्सामेथासोन दिया, उसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल कम हो गया। ठीक है जी। इसका मतलब ये है, फिर हमने क्या किया, ACTH को देखा। ACTH को हम देखेंगे तो ये पहले बहुत ज़्यादा एलिवेटेड था। ठीक है, ACTH भी काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड था, लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा डेक्सामेथासोन दिया तो ACTH का लेवल हल्का सा कम हुआ, हल्का, बहुत हल्का सा कम हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन है उसमें शुरू में क्या था कि कॉर्टिसोल ज़्यादा था, ACTH भी ज़्यादा था, यानी कुशिंग डिजीज़ थी। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने जब दिया तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल भी थोड़ा, जब ज़्यादा डेक्सामेथासोन दिया तो कॉर्टिसोल भी थोड़ा सा कम हो गया और ACTH भी थोड़ा सा कम हो गया। कॉर्टिसोल बेचारा तो इस वक्त ACTH के ताबे है, जितना ACTH आएगा उतना कॉर्टिसोल ने सिक्रीट होना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्टिसोल का तो कोई मसला है ही नहीं, ना पीछे ACTH में मसला है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ACTH ज़्यादा था, पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब हमने डेक्सामेथासोन दिया तो ACTH थोड़ा सा कम हो गई, यानी कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास जब नेगेटिव फीडबैक बहुत स्ट्रांगली गया, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जब डेक्सामेथासोन आया बॉडी में तो उसने कॉर्टिसोल जैसा एक्शन बहुत ज़्यादा दिखाया, बहुत ज़्यादा। जब बहुत स्ट्रांग नेगेटिव फीडबैक गया पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने थोड़ा सा काक सोच लिया कि चलो थोड़ी सी मेहरबानी करता हूँ, और ACTH की स्क्रीनिंग को उसने थोड़ा सा कम कर दिया। उसकी वजह से ACTH हल्का सा कम हुआ, हल्का सा वो कम हुआ तो कॉर्टिसोल भी हल्का सा कम हो गया बॉडी में। तो इसको हम लेबल करेंगे कुशिंग डिजीज़। ठीक है जी, इस पेशेंट को कुशिंग डिजीज़ है, यानी पिट्यूटरी में मसला है। अब एक तीसरी कंडीशन देखें कि हमने पहले थोड़ा डेक्सामेथासोन दिया, फिर हमने ज़्यादा डेक्सामेथासोन दिया, कॉर्टिसोल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतना ही रहा। ठीक है, ACTH को हमने देखा, थोड़ा दिया, ज़्यादा दिया, ACTH का लेवल भी इंतहाई हाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस पेशेंट को हम लेबल करेंगे एक्टॉपिक ACTH सिंड्रोम। अब इसमें देखें क्या मसला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मसला जो है वो ACTH की सिक्रीशन में। ठीक है, कॉर्टिसोल यहाँ पर भी बेचारा सारा ACTH पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। ACTH जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, लेकिन हमारे डेक्सामेथासोन ज़्यादा देने के बाद भी ACTH सिक्रीट होना कम नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है कि डेक्सामेथासोन जब बॉडी में बहुत ज़्यादा आता है तो वो जाके नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन या फिर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी को कहते हैं कि तुम ACTH सिक्रीट ना करो। एक्टॉपिक ACTH सिक्रीशन में हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड बेचारा तो सादा सा है, उसमें तो कुछ मसला ही नहीं है, एक्टॉपिक में तो लंग्स सिक्रीट कर रहे हैं, तो हमारा डेक्सामेथासोन बहुत ज़्यादा देने के बावजूद भी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डेक्सामेथासोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, बिकॉज उनमें तो कोई मसला ही नहीं होता, पहले ACTH सिक्रीट कर रहे, मसला लंग्स में है, और लंग्स मुसलसल ACTH सिक्रीट करते रहेंगे, जिसकी वजह से ना ACTH कम होगा ना कॉर्टिसोल कम होगा। तो ऐसे पर्सन को हम लेबल करते हैं एक्टॉपिक ACTH सिंड्रोम। ठीक है जी, तो ये तीन कंडीशंस आपने याद रखनी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।